नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए होंगे। जैसा कि हम लोग अभी छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो टॉपिक आपका है काउंटिंग ऑफ फिगर, और उसमें हम लोगों ने वर्गों की गिनती काउंट करना सीखा, आयतों की गिनती काउंट करना सीखा। इसी क्रम में अब आज हम लोग त्रिभुजों की गिनती काउंट करना सीखेंगे। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन एक बनता है आपका, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। या तो वर्ग पूछेगा, या तो आयत पूछता है, और नहीं फिर आपका ये ट्रायंगल पूछ लेता है। चलिए तो अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। वर्ग और आयत में अभी आपने देख लिया था कि हम लोग छोटी छोटी ट्रकों से बड़ी बड़ी आकृतियों को काउंट करना सीखे थे। उसी तरह हम लोग ट्रायंगल में भी करेंगे कि हम बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस लेवल से चलेंगे और उन आकृतियों तक भी पहुंचेंगे जो आकृति हम लोग हाई लेवल के तौर पर देखते हैं, और उनके आंसर हम लोग बिल्कुल कम समय में बिल्कुल सही सही बताते हैं। चलिए तो आपकी हम मुलाकात करवाते हैं बिल्कुल बेस लेवल से। चलिए आप मिलिएगा त्रिभुज की एक अच्छी सी आकृति के साथ, जिस आकृति को एग्जामिनर कई भागों में डिवाइड कर देता है, और हम अगर गिनेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति है जिसको कई भागों में विभाजित कर दिया है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, और उन एग्जाम्पल में हम लोग अब समझ जाएंगे कि हम लोग अगर इस तरह की आकृति कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे कम समय में गिन के आंसर बताएंगे। पहले एक छोटा सा प्रोसेस समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं एक बड़ा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। आप ये देखिएगा इस बड़े से त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब इस त्रिभुज को एक और दो भागों में विभाजित किया गया है। यहां तक तो कोई समस्या भी नहीं होगी, आपको बस यही चेक करना है कि इस बड़े से त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया है। तो यहां मैंने देखा एक बड़ा सा त्रिभुज था जिसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। अगर मैं यही बात इस त्रिभुज पर आपसे पूछूं कि ये बताइएगा इस बड़ी से आकृति में, मतलब बड़े से ट्रायंगल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप तुरंत काउंट कर लेंगे। कैसे? आप कहेंगे एक, दो और तीन, तीन भागों में विभाजित कर दिया है, उसके तीन डिवाइडेशन कर दिए हैं। सेम कंडीशन अगर मैं यहां आपसे पूछूं तो आप फिर काउंट कर सकते हैं एक, दो, तीन और चार कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई काउंटिंग करने में समस्या आपको? क्योंकि मैंने कोई ज्यादा प्रोसेस को लेंदी नहीं लूंगा, बस यही छोटा सा प्रोसेस कि अगर इस तरह की आकृति कभी एग्जाम में आए, आप बस ये चेक कर लीजिए कि बड़े से ट्रायंगल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप जैसे ही काउंट कर लेंगे बात तो अब समझने वाली है, क्योंकि इसी से अब आपके आंसर आएंगे। अगर आपसे पूछना हो कि इस ट्रायंगल में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप कुछ नहीं करना, बस यही अंकों को जोड़ देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। एक दो जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे कि जो काउंटिंग अभी हम लोग काउंट किए थे, बस उसी काउंटिंग का यदि हम योगफल कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास होगा। देखते हैं इस आकृति में अगर हम आपसे पूछें कि कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अंकों को जोड़ लेना है। तो जोड़िएगा तीन, दो, पांच और एक, छह। यहां पर हमने जब योगफल किया तो हमारे कुल छह त्रिभुज निकल के आए हैं। अच्छा, अगर इस तरह की और भी आकृतियां हैं, अभी मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कि जैसे ये हमने बेसिक आकृति ली सी, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस जो है ये सही है कि गलत है, है ना? तो चेक करिएगा इसमें तीन त्रिभुज आए हैं हमारे प्रोसेस से, क्या वास्तविकता इसमें तीन बनते हैं? तो देखिएगा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां पे ए, बी, सी तीन तरह के पॉइंट लिए हैं,
एक तो यही दिखाई दे रहा है, जब मैंने इसके डिवाइडेशन किए थे तो एक आपका ये आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया। तो यहां एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिए कि हाँ यहां वास्तविक ही तीन ही त्रिभुज है। इसी तरह जब हम और इस तरह की आकृति को रियल में भी काउंट करते हैं तो इतने ही त्रिभुज आते हैं। तो आपको तो पता होगा कि एग्जाम में हमें ज्यादा होशियारी तो दिखानी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है कि नहीं नहीं हम तो ये गिन के ही बताएंगे। तो गिन के बताएंगे तो समस्या हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको समय लगेगा और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो बस हमें इसका बेसिक लेवल सिर्फ हमें अपनी जरूरत के अनुसार सीखना है, ना कि हमें इसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सीखना है। क्या समझना था कि हमने यहां जो प्रोसेस सीख रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या समझे हैं कि कभी सी एक बड़े से ट्रायंगल को कई भागों में यदि विभाजित कर दिया जाए तो आप जितने भागों में विभाजित किया जाएगा उन सभी की काउंटिंग को ऐड कर लेंगे। तो कई सारे विद्यार्थियों के आंसर भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतनी बात समझ ली कि हमें प्रोसेस में करना क्या है। तो आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल की, और इस आकृति में आप मुझे बताएंगे कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं। काउंट करिएगा और मुझे बताइएगा टोटल जो त्रिभुज है वो कितने बनेंगे। खैर कई सारे विद्यार्थी बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, आंसर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। देखिएगा यहां पे बस कुछ अंक आपके जो लिखे गए हैं सभी अंकों को जोड़ना था, तो आप जैसे ही इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, इसका मतलब इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज है वो आपके 10 हो जाएंगे। यहां तक मुझे पूरा भरोसा है आपको छोटी सी बात बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोसेस कर समझ रहे हैं। अभी इसी प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो आप उस आकृति का मुझे और बता दीजिए कि अगर आप मैं ये पूछूं कि इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने होंगे तो आप मुझे क्या बताएंगे। चलिएगा मुझे आंसर बताइएगा। तो कई सारे विद्यार्थी फिर से आंसर बता रहे हैं, तो मैं एक बार चेक करता हूं क्या उनके बताए गए आंसर सही हैं या फिर गलत हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, बड़े से त्रिभुज को देखा होगा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसे ही आपने देखा अब आप क्या जानते हैं, सभी अंकों को जोड़ लेंगे तो आंसर आपके पास होगा। जोड़िएगा कितने जो अंक आए हैं इन सब का योगफल कितना हो जाएगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका जो योगफल है वो आपका 21 हो जाएगा। इसका मतलब इस आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो आपकी 21 यानी 21 हो जाएगी। तो बताइएगा ये प्रोसेस आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और इस प्रोसेस से अब हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए तो अब आपके लिए जो प्रोसेस आपने सीखा था उसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन, और इसको आपको समझना है और आपको आंसर भी देना है। देखिएगा इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा जैसा हम लोग प्रोसेस सीख लेते हैं तो क्या होता क्या है, एग्जामिनर जो है वो उसी प्रोसेस से आकृतियों में कुछ उलट पुलट करता है, ठीक है। तो उसी उलट पुलट को आपको समझना है और फिर उसी तरह आंसर देना है। तो आपने अभी देखा था एक त्रिभुज को कई भागों में यदि विभाजित कर दिया जाए तो जितने भागों में विभाजित किया जाता है उन्हीं अंकों को जोड़ लेते हैं तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या का पता चलता है। अगर यही रूल हम यहां लगाएं तो यहां पे क्या किया है, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज का मतलब एक आपका ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और एक आपका इस तरफ वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यानी उसने क्या किया है, दो त्रिभुज को मिला दिया है। दो त्रिभुज को कई भागों में विभाजित करने के बाद में दोनों के आधार बिंदु मिला दिए हैं। तो आप भी समझिएगा, पहले आप इस त्रिभुज को निकालिएगा कि इसमें कितने बनते हैं। तो आप पहले चेक करिएगा कि कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 कितने भागों में विभाजित कर दिया, 4। 4 भागों में विभाजित करने से जो इस त्रिभुज में त्रिभुजों की गिनती आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब इस त्रिभुज में कुल कितने बनेंगे, 10। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ भी रहे हैं।
अच्छा अगर हम इस त्रिभुज में पूछ लें इसमें कितने हो जाएंगे, तो वही छोटा सा काम, क्या देख लीजिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पे जो विभाजित किया गया है तीन भागों में, तो तीन तक हम जो काउंटिंग ऐड करेंगे वो हो जाएगी छह। बात समझना, अभी हम लोगों ने अलग अलग त्रिभुजों को निकाल के हमने त्रिभुज बताए हैं, इसमें दस होंगे और इसमें छह होंगे। थोड़ा सा गौर करिएगा, दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से क्या कहीं त्रिभुज बन रहा है? तो आपने देखा होगा इनकी जो लाइन है वो इस त्रिभुज में आगे जाके कहीं मिल नहीं रही है, इसका मतलब दोनों को मिलाने से त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही आंसर होगा, यानी 10 और 6 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर होगा। इस आकृति में जो टोटल त्रिभुज आएंगे वो 16 आएंगे। कई सारे विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर बता रहे थे। अच्छा, इसी क्रम को और अच्छे से मजबूत करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, और वो क्वेश्चन भी आप मुझे काउंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए मिलिएगा आप एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, एक बेहतरीन आकृति के साथ, और आप इसमें काउंट करके मुझे बताएंगे कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस आप अभी सीखे थे और आप वहां से आंसर मुझे बता सकते हैं। तो खैर, कई सारे विद्यार्थियों के आंसर भी आ रहे हैं। अच्छा, काउंट किए होंगे आपने, उसी तरह प्रोसेस आपने काउंट करके आप आंसर मुझे बता रहे होंगे। देखें एक बार, चेक करते हैं कि आपके आंसर जो आ रहे हैं वो सही हैं या फिर थोड़े से कहीं डिस्टर्ब हैं। चेक करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपने ये देखा होगा कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आपने देखा होगा 1 2 3 4, ठीक है, चार भागों में विभाजित कर दिया था। आप ना काउंटिंग जोड़ रहे थे, काउंटिंग जोड़ लीजिए। यहां जब काउंटिंग जोड़ेंगे तो 10, इसका मतलब इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो 10 हो जाएंगे। और चेक करें, अच्छा यहां पर जब हम लोग देखेंगे कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, तो यहां पर जब हमने देखा तो 6 भागों में तो विभाजित किया गया। तो अगर हम सबका योगफल निकालेंगे, तो योगफल निकालेंगे, यहां जो योगफल हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। मतलब इस आकृति में 10 त्रिभुज हो जाएंगे, इस आकृति में 21 त्रिभुज हो जाएंगे, और आप उसने तो दोनों को मिला दिया है, मिलाने से कहीं ट्रायंगल बन नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटल यहां से निकालेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी टोटल जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कई विद्यार्थियों ने आंसर बताया था उनका बिल्कुल सही आंसर था। करना क्या था, बस आपको ये देखना होता है कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके बाद में बस उसी काउंटिंग को यदि हम जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आपके पास होगा। उम्मीद है ये प्रोसेस को समझने के बाद में आपने दोनों क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझा होगा, और अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छे से आंसर, जल्दी से आंसर सॉल्व करके बता देंगे। चलिए और थोड़ा बदलाव करते हैं आकृतियों में, तो मिलते हैं अगले प्रोसेस के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए मिलिएगा आप एक अगले प्रोसेस के साथ। अच्छा, यहां पे उसने क्या किया है, जो आकृति अभी हम लोग पढ़े थे उसी आकृति में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। क्या कि उसने यहां पे इस तरह डिवाइडेशन कर दिए हैं, कहीं आपने देखा 3 डिवाइडेशन लगा दिए, कहीं 2 लगा दिए, वहां भी 3, कुल मिलाकर उसने बीच में जो लाइनिंग है उनको एड कर दिया है। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो, ऐसी कभी कंडीशन फंस जाए आपके साथ, तो आप वहां पे किस तरह आंसर बताएंगे, एक बार फिर से देखिएगा। क्या, अरे भाई ये तो आपको चेक करना ही है। क्या चेक करना है, कितने भागों में उसने डिवाइड किया है, और यहां पे उसने 2 भागों में डिवाइड किया है। आप इन्हीं अंकों को जोड़ रहे थे तो आप वहां जोड़ेंगे, मतलब जो प्रोसेस अभी हम लोग कर रहे थे वो प्रोसेस करेंगे। अब छोटा सा पॉइंट समझना, क्या कि ये जो लाइन है, ये लाइन उसने बीच में कर दी है, त्रिभुज को 2 भागों में आधा आधा कर दिया है, आधा ये कर दिया है, आधा ये कर दिया है। बस यही समझ लेना उसने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। बस यही 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइएगा। क्या करना है एक बार फिर से देखिएगा। आप सबसे पहले क्या कर रहे थे? सबसे पहले आप ये देख रहे थे कितने भागों में विभाजित किया गया। तो आपने फिर देखा कितने भागों में विभाजित कर दिया इस आकृति में, तो एक दो और तीन, तीन। अच्छा आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तीन दो पांच और एक छह। यहां तक कहीं कोई समस्या? ये तो हम लोग पहले प्रोसेस में सीख चुके थे और कई प्रकार के आंसर भी बताए थे। अब आप ये बताइएगा यहां कितने का क्रॉस करना है, क्योंकि उसने देखो एक दो तीन चार बड़े से त्रिभुज को चार भागों में डिवाइड कर दिया है, तो आप यहां कितने का क्रॉस करेंगे? चार का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका 24 आएगा। तो यहां तक प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा बताइएगा इस वाली आकृति में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, क्योंकि अब आप इसका बताइएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ भी रहे हैं, एक बार और देखिएगा। आपने सबसे पहले देखा होगा कितने भागों में विभाजित किया गया, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 10। अब आप ये देखिएगा कि ये जो लाइनों के अकॉर्डिंग उसने डिवाइडेशन किया है, त्रिभुज को बीच में से काटा है, वो कितने पॉइंट बन रहे हैं? तो एक यहां से, दूसरा, तीसरा, कितने हो रहे हैं? तीन बीच में से डिवाइडेशन कर दिए, बस वही तीन का आप क्रॉस कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। यानी इस आकृति में 30 त्रिभुज बनके तैयार होंगे। कई सारे विद्यार्थी मुझे आंसर बता रहे थे और वो आंसर उनका बिल्कुल सही था। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अब हम आपसे इस आकृति से मुलाकात करवाते हैं। चलिएगा मिलिएगा उस आकृति से और बताइएगा उसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखते हैं, यहां भी वही कंडीशन है, एक दो तीन चार, चार भागों में विभाजित किया था तो हमने आप वहां पे अंक नोट कर लिए। हाँ उनको जोड़ना था, तो चार तीन सात, दो नौ और एक 10 हो जाएगा। ये तो तब होगा जब टोटल बड़ा सा त्रिभुज हो और इस तरह की लाइनें हो, लेकिन मुझे यहां कुछ और कलाकारी दिखाई दे रही है। क्या कलाकारी? कि उसने बीच में से लाइनिंग वगैरह कर दी है। अच्छा देखते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन और चार भाग उसने कर दिए थे, तो आप भी चार का गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा 40। आपको मैं ये बिल्कुल बेसिक रूल्स बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा, इन प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाऊंगा, उसमें से फिर आप मुझे आंसर बताना। पहले आप अपने प्रोसेस को, अपने कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपने दो तरह के कॉन्सेप्ट सीखे थे, कौन कौन से? जब सीधा सीधा त्रिभुज होता है उसमें लंबे लंबे डिवाइडेशन कर दिए जाए, तो जितने भागों में विभाजित किया जाता है उन सबको हम जोड़ लेते हैं, जो भी योगफल आता है वही आपका आंसर होता है। इसके बाद में हो सकता हो एग्जामिनर उस क्वेश्चन में बीच में लाइनिंग कर दे, तो आप वहां क्या करेंगे? तो लाइनिंग करने के बाद में उस त्रिभुज के जितने भाग हो रहे हो उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा सामने होगा। तो आपने कई सारे यहां एग्जाम्पल समझे। चलिए और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। चलिए मिलिएगा आप एक अच्छी सी आकृति के साथ, और कहें तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया था। उसी प्रोसेस का एक छोटा सा परीक्षण के लिए ये आकृति आपके सामने है, आप इसको देखेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। वैसे देखा जाए इस आकृति जब भी एग्जाम में आई है, जब भी एग्जाम में आई है कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर गलत बताए हैं। आप भी जरा चेक करें कि आपके जो आंसर आएंगे वो आप सही बताएंगे या फिर थोड़े से आप भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप तो कंफ्यूज अब नहीं होने वाले, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है। देखिएगा यहां पे उसने क्या किया है, त्रिभुज को पहले तो आधा आधा तो दिख ही रहा होगा, यहां दो भागों में डिवाइड कर दिया, यहां तीन भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसा ही तो है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे जो आप लिख रहे थे। कैसे? एक दो तीन,
लेकिन याद रहे अपना भी पूरा त्रिभुज नहीं देखेंगे। क्यों? आप सिर्फ यहां से लेकर इस तरह आधा त्रिभुज देखेंगे यहां तक, जहां तक ये परिवर्तन सेम दिखाई दे रहा है उतना अलग कर लेंगे और इतना भाग अलग कर लेंगे। बात बस यही समझना थी, यहां मैं लाइनिंग से और समझा दे रहा हूं। इतना भाग आपको अलग समझना है, क्या समझना है? इतना भाग आपको अलग समझना है और इतना भाग आपको अलग समझना है। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका आंसर आपके पास होगा। यानी क्या बात आपने समझी अभी? ये भाग एक समझ लो, ये दूसरा भाग समझ लो, दोनों को आप निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखें कैसे इस भाग में कितने हो गए, 1, 2, 3 तो ये भागों में विभाजित कर दिया था, 3, 2, 5 और 1, 6 हो जाएंगे यहां से, हो जाएंगे कि नहीं? यहां कितने हो रहे, 1, 2, 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 6 3 कितने होते हैं भाई, 18। अब ये हमें ना बताना पड़े, हाँ इतना तो होना चाहिए आपको पता। अगर इसमें हम लोग पहुंचेंगे तो 1, 2, 3 वहां भी 3 ही भागों में डिवाइड किया था। हाँ अगर इस तरह चेक करेंगे तो कितने भाग हो रहे, 1, 2, 3 और 4 हो गए वहां पे। अच्छा वहां पे 4 हो गए तो वहां हमने देखा ऐड करने से 6 6 × 4 करेंगे तो 24 हो जाएंगे। ये भाग है जो 18 ट्रायंगल निकाल रहा है, वो भाग है जिसमें 24 ट्रायंगल निकल रहे हैं दोनों को मिलाने से। अच्छा मिलाने के लिए आप जरा ये देखिएगा, क्या 1 यहां से लेकर टोटल हो रहा है? आपने देखा एक बड़ा सा त्रिभुज तो बन सकता है दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से एक बड़ा सा त्रिभुज हो जाएगा। और कहीं ये वाली लाइनें जो सीधी जा रही हैं ये और आगे जाके सीधी हो रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखो ये यहीं तक है, ये भी यहीं तक है, तो कुल मिलाकर दोनों को मिलाने से एक ही बड़ा निकलेगा। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, 18 और 24 जोड़ लेंगे प्लस एक बड़ा सा जोड़ लेंगे जो सबको मिलाने से बनेगा। अच्छा टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ४३, ४३ आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपका बिल्कुल सही आंसर आया था, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी यह कमेंट बॉक्स में यही कर रहे थे, बोले यहां जो लिखा जाए मैं तुरंत टाइप कर दूं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर बताया करें, ठीक है? समझें कहीं कोई समस्या हो तो। आपने साफ साफ देखा बड़ी सी आकृति को आपने पहले 2 भागों में डिवाइड किया, इसके बाद में ये भाग जो है 18 दर्शा रहा था, ये भाग 24 दर्शा रहा था, दोनों को मिलाने से एक बड़ा सा ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। और इनको हम लोग जब ऐड करेंगे टोटल जो ट्रायंगल होंगे 43 हो जाएंगे, 43। उम्मीद है आपको यहां तक का प्रोसेस समझ में आया होगा। अच्छा थोड़ा सा अब और बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले प्रोसेस के साथ। चलिए मिलिएगा आप अगले प्रोसेस के साथ। और यहां भी आकृति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, हाँ लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। तो देखा जाए कि इस परिवर्तन में भी कई सारे विद्यार्थी भ्रमित होते हुए दिखाई देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं, जिससे आपकी अगर कभी एग्जाम में मुलाकात हो तो आप कभी भ्रमित ना हो। अच्छा यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा है कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी गिनना पड़ेगा, यहां तो गिन रहे होंगे आप कितने त्रिभुज हैं, 1 यही ना। अभी आपने देखा था कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में क्या किया था, यहां से लेकर डिवाइडेशन हो रहा था, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा यहां सिर्फ जो डिवाइडेशन किया है वो इस तरह, मतलब क्षैतिज लाइनों का डिवाइडेशन है। कितनी? और कई सारी लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनों का जब डिवाइडेशन होता है, पर छोटा सा पॉइंट याद रख लेंगे, क्या जितनी क्षैतिज लाइनें हैं, जितनी क्षैतिज लाइनें हैं वो एक ट्रायंगल बनाती हैं, समझ लो उतना ही आंसर है। कैसे? आपने देखा यहां एक लाइन है तो एक आंसर है, आपने देखा एक लाइन है तो एक आंसर है, यहां लाइनें कितनी हो गई, 2, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, बस 2 त्रिभुज बनेंगे इसमें। अच्छा यहां कितने हो जाएंगे, अरे ये भी अब हम ही बताएं,
आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। कई सारे विद्यार्थी आंसर बता भी रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो आंसर हो जाएगा तीन, हो जाएगा कि नहीं। तो कुल मिलाकर जब ये इस तरह का डिवाइडेशन ना हो, सिर्फ क्षैतिज रेखाओं में आंसर, क्षैतिज रेखाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझना जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वही आपका आंसर होता है। यहां आप चेक करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, चार क्षैतिज रेखाएं हैं, तो आपका जो आंसर है वो चार त्रिभुज हो जाएंगे। उम्मीद है आप ये भी बात समझ रहे होंगे कि जब ट्रायंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ क्षैतिज लाइनें बढ़ाई जाती हैं, तो जितनी क्षैतिज लाइनें होंगी वही आपका आंसर होगा। तो यहां ये छोटी छोटी बातें आपको बताई मैंने, और उम्मीद है यही छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि हमेशा जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है तो छोटी छोटी बातों को मिलाकर एक बड़ी बात तैयार कर देता है, जो आपको बड़ी बात बड़ी कठिन सी नजर आती है। मुझे उम्मीद है पूरा भरोसा हो गया है यहां तक जो आपने प्रोसेस पढ़ा, और इस प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से आंसर बताएंगे। चलिए और आगे बात करते हैं अगले प्रोसेस की ओर। चलिए मिलिएगा एक अच्छे से प्रोसेस के साथ, और इस प्रोसेस के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, कई बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, तो पहले तो आप जी भर के देख लीजिए, हमें नहीं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, तो आप पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में परिवर्तन हो क्या रहा है, देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं कलाकारी जरूर करता है। अच्छा, जब एग्जामिनर कलाकारी करेगा तो आप भी कम ना पड़े, आप भी कलाकारी करना सीखें और कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस एक कलाकार के रूप में दें। देखें यहां पे आप देख रहे हैं कि त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज बनाए जा रहे हैं। यहां तो खैर एक ही बनाया है, यहां मैंने देखा एक बनाया फिर उसके अंदर एक बना दिया, यहां तो हमें लग रहा बहुत सारे त्रिभुज अंदर बना दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे आंसर क्या होंगे, छोटा सा पहले तो हम आपको बेसिक समझाएं कि मान लो अगर हम गिने यहां पर तो कितने हो जाएंगे, एक, अगर काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार हो जाएंगे कि नहीं, और एक बड़ा सा पांच, पांच होंगे। यहां एक छोटी सी बात समझना, क्योंकि यहां आप काउंट कर सकते हैं लेकिन जब यहां काउंट करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यहां छोटे से हम लोग प्रोसेस बनाएंगे, बड़े पे लागू कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी छोटा नहीं पूछता है, वो जानता है ये तो आप काउंट कर लेंगे, वो पूछेगा तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिएगा, अभी हम लोगों ने काउंट कर लिए थे तो आपने एक छोटा सा प्रोसेस समझा क्या, एक बड़े से त्रिभुज में, एक बड़े से त्रिभुज में जब कभी अंदर एक त्रिभुज होता है, एक बड़े से त्रिभुज में जब कभी अंदर एक त्रिभुज होता है तो याद रखना वो हमेशा चार त्रिभुज बनाता है, वो हमेशा चार त्रिभुज बनाता है। बात समझ में आई, क्या समझ में आई, दोबारा मुझे बताएं जरूर, क्या कि एक बड़े से त्रिभुज में जब एक अंदर त्रिभुज होता है वो चार बनाता है। एक तो पता ही होगा बड़ा वाला, वो हमेशा एक जोड़ना है क्योंकि बड़ा सा त्रिभुज एक तो होता ही है। कहें तो एक आप हमारी तरफ से जोड़ देना, किनकी तरफ से, एक आप हमारी तरफ से जोड़ देना, आपका आंसर तैयार होगा, पांच हो जाएंगे। ये एक जो है ये बड़े से त्रिभुज को दर्शाता है, और जो चार जो है वो अंदर वाले त्रिभुजों को दर्शाता है। तो बस ऐसे क्वेश्चनों में छोटी सी बात याद रखना, जब एक बड़े से त्रिभुज में कभी त्रिभुज अंदर बनाए जाएं तो एक छोटा त्रिभुज हमेशा चार बनाता है और बड़ा वाला एक एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, इसी बात को अगर हम यहां लागू करें तो देखते हैं आंसर क्या होंगे। आपने देखा यहां पे एक बड़ा सा त्रिभुज है, एक बड़ा सा त्रिभुज है जिसके अंदर एक त्रिभुज, उसके अंदर एक त्रिभुज, अरे चार तो इसने बनाए होंगे और चार इसके अंदर जो है उसने बनाए होंगे। भाई दो है ना, अगर एक अंदर होता है तो चार बनते हैं, यहां दो अंदर हैं तो कितने बन जाएंगे, आठ,
और कुछ याद है क्या? प्लस वन भी करना होता है। प्लस वन क्यों करेंगे आप? किनकी तरफ से जोड़ेंगे? अच्छा, हमारी तरफ से। बिल्कुल, ये एक आप हमारी तरफ से जोड़ देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। यानी ये टोटल आकृति में जो ट्रायंगल आएंगे वो 9 आएंगे। अरे एक हमारी तरफ से ऐसे जोड़ देना, एक बड़ा सा त्रिभुज वो काउंट कर दिया जाता है। हम कोई घर से लेके नहीं आए हैं, इसी में से ही प्रोसेस को निकाल दिया है। चलिए अब आप मुझे काउंट करके बताइएगा कि इस तरह की आकृति दी गई है आपके लिए और इसमें से कितने त्रिभुज बनेंगे, काउंट करें और मुझे आंसर बताएं। प्रयास करें एक बार सभी विद्यार्थी, क्योंकि जब प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, समस्या है तो समाधान जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। चलिए देखिएगा कितने सारे त्रिभुज होंगे। आपने देखा, क्या देखा? एक बड़े से त्रिभुज में कितने अंदर दिखाई दे रहे हैं? एक तो यही है, दूसरा ये है, तीसरा छोटा सा है, तो 3 अंदर बने हुए हैं। आपको एक बात पता है, कौन सी बात? एक बड़े से त्रिभुज में जब कभी एक अंदर होता है वो 4 बनाता है। यहां 3 अंदर हैं, तो 4 4 3 कितने हो गए? 12। यानी 12 तो इन लोगों ने बना दिए जो अंदर थे। और तो कुछ याद आया होगा? क्या याद आया होगा? एक बड़ा सा त्रिभुज भी तो है जो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, बस वही एक और जोड़ देंगे तो आंसर आपका 13 हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो एक आप हमारी तरफ से जोड़ देना तो आंसर आपके सामने होगा। तो बात यहां आपको समझ में आई होगी कि एक त्रिभुज के अंदर जब एक त्रिभुज होता है तो हमेशा 4 बनाता है और एक एक्स्ट्रा होता है। इसी तरह अब वो जितने भी अंदर कर दे, आप काउंट करके बता दीजिएगा, आपका आंसर आपके पास होगा। जितने अंदर करेगा उतने ही 4 4 करके जोड़ लीजिए। और याद रहे क्या, लास्ट में +1 एक एक्स्ट्रा करना है, बस आपका आंसर आपके पास होगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, और कैसे बदलाव करता है तो देखिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, इसमें थोड़ा सा बदलाव भी करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए मिलिएगा। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब आपको कुछ कहीं ना कहीं स्थितियां भयानक नजर आ रही होगी, क्योंकि अब आकृतियों में थोड़ा सा अच्छा सा बदलाव हो रहा है और अब वो आकृति आ रही है जिसमें कई सारे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और अपना आंसर गलत कर लेते हैं। चलिए आप एक बार समझ लीजिए और आपके आंसर कभी भी गलत होंगे नहीं, ये मुझे भरोसा है। देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो बात पढ़े थे वो बात तो आपको पता ही है। क्या बात बताई थी मैंने आपको? कि एक बड़े से ट्रायंगल में जब कभी एक ट्रायंगल अंदर होता है वो कितने बनाता है? 4। बात समझ में आई? और एक तो एक्स्ट्रा होता है तो टोटल कितने हो जाते हैं? 5। यहां तक बात समझ में आई? कहीं कोई समस्या? अच्छा, अब क्या किया यहां पे, थोड़ा सा और चेंज कर दिया। क्या चेंज किया उसने? ये इनको 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब एक भाग यहां से, एक भाग यहां से, 2 यहां से आ गए। एक भाग यहां से, एक भाग यहां से, 2 यहां से आ गए। उसी तरह एक भाग यहां से, एक भाग यहां से, 2 यहां से आ गए। ये उसने एक्स्ट्रा कलाकारी की है कि नहीं? तो आपको क्या करना था? बस वही एक्स्ट्रा कलाकारी को समझ लेना था। यानी 2 4 6 6 उसने और एक्स्ट्रा बनाए हैं। इसका मतलब जो 11 हो जाए, जो आंसर होगा वो 11 हो जाएगा। 5 तो पहले वाले प्रोसेस से आ गए थे और एक लाइन मतलब ये डिवाइडेशन से 2-2 बन जाते हैं, तो 6 आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो 6 5 टोटल 11 हो जाए। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 11 होगी। तो कहीं कोई समस्या आ रही क्या? हाँ, पूरा भरोसा है समस्या आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अच्छा, यहां देखिएगा, यहां भी बताने का प्रयास करिएगा। आपने देखा एक बड़े से त्रिभुज में यहां 2 अंदर कर दिए हैं। कितने अंदर किए हैं? 2 2 का मतलब 4 प्लस 4 तो हो ही जाएंगे।
एक तो पता ही है, ये एक याद रखना आपको, एक एक्स्ट्रा बन जाएगा तो कितने हो गए, 9। अरे जब 9 त्रिभुज तब हो गए जब यहां ये लाइनें हम ना देखें, लेकिन एग्जामिनर ने तो लाइनें दे दी हैं, तो लाइनों से 2, 4, 6 बात समझ में आ रही ना, 2, 4, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए, वही 6 और जोड़ दीजिए, टोटल हो गए 15। बिल्कुल सही आंसर आपका 15। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया और उन्हें प्रोसेस समझ में आया होगा, इसका मतलब आप ये दोनों प्रोसेस समझ गए होंगे। चलिए अब जो आकृति लिखी है, इस आकृति का आंसर मुझे आप ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी एक बार प्रयास करके मुझे बताइएगा जरूर, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको प्रोसेस समझ में आया या फिर अभी कहीं समस्या है। खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आने लगे हैं, तो आंसर भी देखते हैं कि इनका आंसर सही है कि गलत है। पहले आपने कुछ समझा होगा, क्या समझा, एक बड़ा सा त्रिभुज जिसके अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा जरा, एक बड़े से त्रिभुज के अंदर कितने दिखाई दे रहे, तो 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे, मतलब 1 4 बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे, 12। ये तब की बात हो गई जब हमने सीधे सीधे उन त्रिभुजों को लिया है जो एक बड़े से त्रिभुज के अंदर दिखाई दे रहे, और ये तो पता ही होगा एक कहां से जुड़ता है, किन की तरफ से एक जुड़ता है, बता दीजिए एक बार। अच्छा, मेरी तरफ से एक जुड़ता है, तो कुल मिलाकर एक आपने एक्स्ट्रा कर लिया, उसको भी आपने काउंट कर लिया। यहां तक बात आपने की तो आपको कितने हो लगे, 13। ठीक है, अब जरा लाइनों पे आइएगा। अभी आपने देखा था एक कॉर्नर से लाइनें जब स्टार्ट होती हैं तो 6 बनाती हैं, ठीक है, तो 6 तो इनके हो गए। आपने देखा यही प्रोसेस एक बार अंदर से और कर दिया था, कर दिया ना, ये वाला प्रोसेस लाइनों वाला 2 बार है, एक बार प्रोसेस से 6 बनता है तो 2 बार है, कितना जुड़ जाएगा, +6 और +6, यानी टोटल जो आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस त्रिभुज में टोटल जो त्रिभुज आएंगे वो 25 हो जाएंगे। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर बिल्कुल सही थे। अच्छा, उम्मीद है यहां तक आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अभी हम लोग ट्रायंगल की भाषा में बात करें तो ये एक छोटा सा प्रोसेस, एक बेसिक रूल्स हैं। अभी इसमें कई सारे प्रोसेस और भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको और ही आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज का समय हम लोग अब यहीं ओवर करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग और एक अच्छे से लेवल से त्रिभुजों की गिनती को और सीखेंगे। अच्छा, यदि आप यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में प्रेस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का और भी सही से आनंद आपको मिल सके। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट क्लास में और एक नए आनंद के साथ। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।